एलबीएस और बिरला हॉस्टल के छात्रों के बीच भिड़ंत हो गई। दोनों ओर से जमकर पत्थर चलने लगे। आपसी कहासुनी के बाद ये पथराव हुआ। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। वीसी आवास मार्ग पर आवाजाही भी रोक दी गई है। तो ये अहम खबर वाराणसी से मिल रही है, जहां दो हॉस्टल के छात्र गुटों के बीच में पथराव हो गया है। हॉस्टल के छात्रों के बीच में भिड़ंत हो गई। देखिए, एलबीएस और बिरला हॉस्टल्स के छात्र आमने सामने आ गए और दोनों तरफ से जमकर पथराव होने लगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल स्थिति को संभालने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वीसी आवास मार्ग पर आवाजाही भी रोक दी गई है। ये तस्वीरें उस वक्त की जब हालात बिगड़े और दो हॉस्टल के छात्र आमने सामने आ गए। देखिए किस तरीके से पथराव किया जा रहा है। सड़क पर हंगामा होता हुआ नजर आया, जिसके बाद भारी पुलिस बल को मौके पर तैनात कर दिया गया। ये हंगामा उस वक्त बरपा जब बीएचयू के दो हॉस्टल्स के छात्र आमने सामने आ गए। भिड़ंत हो गई। एलबीएस और बिरला हॉस्टल के ये छात्र, जिनकी भिड़ंत हुई और पथराव होने लगा दोनों तरफ से, जिसके बाद पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया। नीतीश पांडे मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीतीश, क्या अपडेट है, स्थिति फिलहाल कैसी है मौके की? साथी, अगर बता दूं तो स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। स्थिति आपको बता दें, ये उत्पन्न कैसे हुई। जो बीएचयू के जो छात्र थे, वो होली को लेकर आपस में कुछ नाचने और गाने का प्रोग्राम कर रहे थे, जो दूसरे छात्रावास के छात्रों ने कमेंट किया। उसके बाद दोनों छात्रावासों के बीच विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि गुरिल्ला युद्ध में तब्दील हो गया। दोनों छात्रावासों के बीच जमकर पथराव हुआ और इस पथराव में लगभग आधा दर्जन छात्रों को चोट भी आई है। देखते ही देखते जब गुरिल्ला युद्ध जबरदस्त होने लगा, तो फिर बीएचयू प्रशासन ने मामले पर हस्तक्षेप किया। और अभी की स्थिति बता दूं तो इस परिसर में तनाव का माहौल है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। मौके पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, बीएचयू प्रशासन के सुरक्षा कर्मी है और इसके साथ ही बीएचयू प्रशासन से जुड़े हुए जो उच्च अधिकारी हैं, वो छात्रों को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। जी, शुक्रिया आपका नीतीश तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अभी स्थिति थोड़ी सी तनावपूर्ण जरूर बनी हुई है, लेकिन हालात पर काबू पा लिया गया है और अब छात्रों को समझाने की कोशिश की जा रही है।